नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। खबर जनपद चंदौली से है, जहां सदर ब्लॉक के दरवेशपुर गांव में आज ग्रामीण लामबंद हो रास्ते के निर्माण को जमकर प्रदर्शन करते हुए जनपदीय अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इस गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए प्राथमिक विद्यालय, हेल्थ सेंटर एवं तालाब पर पहुंचा जाता है और यह मार्ग कृषि से लगायक 4-5 गांवों का संपर्क मार्ग भी है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि चूंकि इस मार्ग पर स्कूल, हेल्थ सेंटर व तालाब स्थित है, तो यह आमजन के लिए सबसे सुलभ मार्ग है। जब तक इस मार्ग पर ईंट का खड़ंजा बिछा था, तब तक किसी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, लेकिन जब रास्ते की उपयोगिता समझ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण कराया जाने लगा, तो दरवेशपुर के समीपवर्ती गांव सुल्तानपुर के कुछ लोगों ने उक्त मार्ग को अपनी जमीन बताकर कार्य को रुकवा दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी लोगों की आपत्ति के तहत मार्ग की शुरुआत और लास्ट में कार्य आधा अधूरा कराकर ज्यों का त्यों छोड़ दिया है और कार्यपूर्ण का शिलापट चस्पा करा दिया है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि पूर्वजों के जमाने से बने रास्ते को पक्की सड़क बनने के पूर्व किसी ने नहीं रोका, तो फिर आज क्यों? यदि सड़क नहीं बनती तो प्राथमिक विद्यालय व हेल्थ सेंटर पर आमजन का आवागमन बंद हो जाएगा, क्योंकि यही गांव का मुख्य मार्ग है। ग्रामीणों ने डीएम समेत अन्य अधिकारियों को पत्रक सौंपे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ग्रामीणों ने कहा कि हम सभी लोग जनपदीय महकमे से अनुरोध करते हैं कि मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल न्याय किया जाए।